मला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली। और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली। और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। न्यूज में आपका स्वागत है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली। और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और
और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अम्बाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अम्बाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अम्बाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अम्बाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अम्बाला पुलिस को मिली और अम्बाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अम्बाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अम्बाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता को अम्बाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अम्बाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अम्बाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अम्बाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अम्बाला पुलिस को मिली और अम्बाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अम्बाला छावनी का रहने वाला है
और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो राम दरबार हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहां से माल लेकर आता है ये और कहां सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो राम दरबार हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहां से माल लेकर आता है ये और कहां सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और
और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अम्बाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अम्बाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अम्बाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अम्बाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अम्बाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अम्बाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो राम दरबार हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अम्बाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अम्बाला पुलिस को मिली और अम्बाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अम्बाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अम्बाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अम्बाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अम्बाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अम्बाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अम्बाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो राम दरबार हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अम्बाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में
आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश की। ये तस्वीरें आप अपने फोन स्क्रीन देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपने फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, ये गांजा बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या एंटी नार्कोटिक्स दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था,
तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़कर खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है, दबा के तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है, दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के, जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के
आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़कर खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़कर खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के
बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपने फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है, वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपने फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है, वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति, जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज़
में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ कर खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नारकोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था।
तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़कर खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के, तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और खुद बनाता था। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें जो आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस नशा तस्कर की हैं जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है और अपने घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली और अंबाला पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी में छापेमारी कर इसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस नशा तस्कर से 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसको अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें आप अपनी फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बता दें कि ये नशा तस्कर अंबाला छावनी का रहने वाला है और घर पर ही गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है, जगह जगह छापेमारी कर नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में एक और सफलता अंबाला पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें ये गांजा बनाकर बेचने वाले नशा तस्कर को अंबाला पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर ने दी है वो सुनवाते हैं आपको। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें ये पता चला था कि डेहा कॉलोनी अंबाला कैंट में गांजा बिक्री हो रहा है, जिस करके वहाँ एंटी नार्कोटिक सेल अंबाला की टीम को सर्वेलेंस के लिए लगाया हुआ था। तो हमें कल शाम को पता चला कि एक डेहा कॉलोनी का नीनू नामक एक व्यक्ति जो रामदरबाग हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की तरफ जा रहा है, उसके पास माल है, तो उसको नाकाबंदी करके राउंड अप किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के यार उसका वेट वगैरह किया गया, तो उसके पास से 600 ग्राम गांजा पाया, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 538 NDPS एक्ट के तहत थाना अंबाला छावनी में दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। और सर, ये कहाँ से माल लेकर आता है ये और कहाँ सप्लाई करता है? ये इसने पूछताछ में बताया है कि वह भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ के और उसको खुद बनाता है दबा के,
तो उसको तैयार करने के बाद ये छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के जो इसके पास डेहा कॉलोनी में युवक आते हैं बाहर के आसपास के एरिए के, तो उनको ये 50 रुपये और 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको अरेस्ट किया है। ये खुद ही माल तैयार करता था, भांग के पौधों को अलग अलग जगह से तोड़ कर खुद बनाता था। बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत।